एक बेटा है और उसकी और उसका बाप फौत हो गया और उसकी माँ भागती है। अब जो माँ को जो इस जायदाद में से या दो भाई माँ को जो जायदाद में पूरी जायदाद का हिस्से में से पहले काटना पड़ेगा या कि सारा कैसे कैसे तकसीम करेंगे? पहले माँ का हिस्सा निकालेंगे या बाद में? इनका सवाल ये है कि एक माँ है मरने वाला कोई, यानी कि आप किस तरह के फौत कौन हुआ? फौत कौन हुआ? खावन फौत जी, ठीक, खावन फौत हुआ, ठीक है, मैयत उसके वरासा में से उसकी जौजा है और इबनान फौत हुआ, मैयत खावन फौत हुआ, उसकी बीवी जिंदा और उसके दो बेटे जिंदा, ऐसे ही है जी। इस सूरत के अंदर आप जिस तरह पूछ रहे हैं कि पहले किसको देंगे, यहाँ पर बेटे बन रहे हैं आसाबा। आसाबा वो होता है कि जो बचा हुआ लेकर जाता है। यहाँ पर सबसे पहले बीवी को हम देंगे, उसके बेटे मौजूद हैं 1/8। टोटल जायदाद को 8 हिस्से में तकसीम करें, 8वां हिस्सा पकड़ाएं जौजा को और बाकी 7 हिस्से 3.5-3 रुपये इनमें तकसीम करें। पहले हिसाब करके बाद में बेटा। हाँ जी, हाँ जी, ये कानून याद रखें, जो फर्जी हिस्से वाले हैं उनको पहले देंगे, जो बचेगा फिर असबा को मिलेगा। सुभानकल्लाहुम्मा रब्बाना।